गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की बैठक ली। सांसद ने बैठक में विकास कार्यों की विभागवार प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रेखिया विभाग के अधिकारियों से उनसे संबंधित योजनाओं में निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान गढ़वाल सांसद ने सड़क निर्माणदायी संस्था PMGSY राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास आदि विभागों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सड़क निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उसी तरह उन्होंने जिला जीवन मिशन के अंतर्गत द्वितीय फेज के कार्यों की प्रगति समीक्षा की। अधिशासी अभियंता जल निगम ने अवगत कराया कि पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि द्वितीय फेज के कार्य हेतु कार्रवाई अंतिम चरण में है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। संसद ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्माणाधीन बेलनी पुल को आगामी श्री केदारनाथ यात्रा से पूर्व यातायात संचालन हेतु तैयार करने के भी निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। विभागों की समीक्षा हुई है और जो पिछली बैठक में कुछ शिकायतें आई थी विकास को कार्य को लेकर उनका अनियमित सार निस्तारण हुआ है। आने वाले गाइडलाइन और साथ में विकास कार्य न हो उसको बजट फंडिंग कोई भी किसी प्रकार का कमी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से समय पर पहली बार ऐसा है कि जो बजट लगातार आता है।